राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई के लिए राजस्थान सिग्नल साइन ऑन यानी कि राजस्थान SSO की आईडी मांगी जाती है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी आईडी खुद से बना पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में लिखना होगा राजस्थान SSO यानी कि राजस्थान सिग्नल साइन ऑन। जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको सिंपली पहले वाले पे क्लिक करना होता है, उसके बाद सीधे आप इसके ऑफिशियल होम पेज पे आ जाएंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसका आवेदन करने से पहले आपको इसकी आईडी और पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी होती है, नीचे पासवर्ड और ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आप लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप पहले से आईडी बना चुके हैं लेकिन आप भूल चुके हैं अपनी आईडी को तो यहाँ पे क्लिक करके उसे फिर से पा सकते हैं। यहाँ क्लिक करके अपना पासवर्ड भी बदल पाएंगे और अगर आपके पास एक से अधिक आईडी है तो यहाँ क्लिक करके आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आईडी कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेगा, सिटीजन का, उद्योग का और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। यहाँ पे जब आप फॉर्म भरने के लिए आईडी बनाने जा रहे हैं तो आपको सिटीजन वाले में जाना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप ये जो आईडी बनाने जा रहे हैं तो आपके पास माध्यम क्या है। तो अगर आप राजस्थान में जन आधार राजस्थान से हैं तो आप इस जन आधार वाले से जा सकते हैं या फिर इसके अलावा इससे भी। लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर हैं या फिर राजस्थान से हैं, मतलब कहने का ये है कि आप कहीं से भी हैं, तो आप गूगल का यूज करके इसे कर पाएंगे। उसके लिए आपको गूगल पे क्लिक करना होगा। जो ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस का परमिशन मांगा जाएगा और सिंपली आपको उसे अलाउ करना होगा। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ जा करके आप इसकी पूरी पॉलिसी को आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे आपको एक यूजर नेम ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। ये आपके ईमेल आईडी से लिया गया है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि कम से कम 5 होना चाहिए, अधिकतम 20 अंकों का हो सकता है, एक कैपिटल होना चाहिए, एक डिजिटल अंक होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब बारी है पासवर्ड की। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे जब आप पासवर्ड सेट करेंगे तो नीचे आपको फिर से वही पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड जरूरी है कि कम से कम 8 अंकों का हो, अधिकतम 30 अंकों का हो सकता है। और यहाँ पे आपको स्पेस, टैब, ये सारे जो बटन है उसका यूज नहीं करना है। नीचे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर के जगह पे केवल ईमेल आईडी का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड इंटर कर लिया है। अब सीधे हम नीचे जा करके रजिस्टर वाले पे क्लिक करते हैं। जब आप रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आप एक नए पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपकी जो SSO आईडी है वो दिख रही है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देना है। अब आप एक नए पेज पे जाएंगे जहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी SSO आईडी लिखना है और यहाँ पे वो पासवर्ड और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर करके सीधे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जब आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आपको एक नए पेज पे भेज दिया जाएगा। जब आप नए पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल भरना है, जैसे कि नाम, पहला नाम, लास्ट वाला नाम, आपका जो नाम है वो कैसे दिखेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे बताना होगा जेंडर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ जा करके आपको अपना पूरा एड्रेस बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप इन दोनों में से नहीं हैं तो ये दोनों भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप चाहें तो अपना आधार नंबर दे सकते हैं, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। ये सारा डेटा भरने के बाद देखिए यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कोई पुराना SSO आईडी है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जा करके नीचे आपको अपडेट करना होगा। उससे पहले आप एक बार जरूर देख लें कि आपने जो भी डेटा भरा है वो बिल्कुल सही है। अपडेट वाले पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसेज आ गया है कि आपकी जो फाइल है ये अपडेट कर दी गई है, और वहाँ पे आए ओके बटन पे क्लिक करते ही जो आपकी आईडी होगी ये कंप्लीट कर ली जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आपका कोई भी एप्लीकेशन राजस्थान से आएगा तो आप एप्लीकेशन वाले पे ज्यों ही जाके क्लिक करेंगे, आपका जो फार्म है वो दिखने लगेगा, आप बड़े ही आसानी से उसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ आपके सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल दिखाई जाती है। तो इस तरह एक सिंपल प्रक्रिया का यूज करके आप अपने लिए राजस्थान की SSO ID बना सकते हैं।